अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। और देखिए, ये एक पाइप है हमारे पास, ये तो इस पाइप से तो आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ये हमारे घरों में जब काम होता है तो मकान वगैरह बनते हैं या क्या कहते हैं प्लम्बर का कोई काम होता है तो उनमें इन पाइप का यूज़ होता है। तो ये एक टुकड़ा हमारे पास बचा हुआ था, तो थोड़ा सा लंबा है। अगर मैं चाहती तो इसको बीच से कट करा के दो बन जाते हमारे पॉट्स, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने इसको बस एक रखा। और देखिए क्या किया मैंने, मेरे हमारे घर कारपेंटर का कुछ काम हो रहा था, मैंने उससे कहा, उनके पास वो बड़ी बड़ी सब मशीनें होती हैं, तो उससे इसको कट करवा लिया। देखिए इस शेप में यहाँ से इसे कट करवाया, फिर एक लंबा कट यहाँ, और फिर इस तरह से, और फिर एक कट ये। उसके बाद जो है, अब अगर मैं लाती, देखिए दो होल मैंने ये करवाए हैं उससे। उसके पास ड्रिल थी उस वक्त, और मुझे ये ड्रेनेज के होल जो बनवाने थे, ये देखिए, तो ये मुझे नहीं आ रहा एट ए टाइम, तो कई दिनों से ये पड़ा हुआ है, तकरीबन एक हफ्ते से। मैं सोच रही थी कैसे करूं, क्योंकि ये बहुत थिक पाइप होता है। तो जो पॉट्स हमारे होते हैं उनमें तो चलो बॉटल्स हैं, पॉट्स हैं छोटे छोटे, तो उनमें तो छुरी गर्म करके या तो स्क्रू ड्राइवर से उसको गर्म करके किसी न किसी तरह से होल हो जाते हैं। इसके लिए मैं सोच नहीं पा रही थी, देखिए ये थिकनेस है इसकी, तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि इसमें कैसे क्या करूँ। तो मेरे पास दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे पास सोल्डरिंग आयरन था, और जो बहुत वक्त तक नहीं रहा हमारे पास, अच्छा वर्क नहीं किया। और चाहे थोड़ा सस्ता था, 150 रुपये का मैंने ख़रीदा था लोकल मार्केट से, तो जब वो काम करना उसने बंद कर दिया, तो मैं क्या करती थी, मैं इसको सिंपल, इसमें आगे वो स्टिक थी, दिखाती हूँ, ये देखिए ये लगी हुई थी इसमें, तो मैं क्या करती थी, इसको मैं गैस पर रख के चूल्हे पर और गर्म कर लेती थी, और छोटे छोटे होल जो करने होते थे हो जाते थे। आज शायद ये कुछ ज़्यादा गर्म हो गया, यहाँ तक कि ये बर्न होने लगा, तो उसके चलते मैंने जैसे उसको इंसर्ट करने की कोशिश करी तो ये निकल गया। खैर करना तो था ही मुझे, तो मैंने दूसरा कुछ इंतज़ाम किया। अच्छा, अब देखिए ये पाइप जो होते हैं तो ये दोनों साइड से इस तरह से खुले हुए होते हैं। फिर मैंने इनके लिए क्या किया, मैं अगर इनके लिए कवर लाती तो शायद 50 रुपीज़ ईच के हिसाब से मिलते हैं, मैंने वो पैसे भी लगाने नहीं चाहे इसमें, सोचा कि सब फ्री ही का हो रहा है तो क्यों इसमें कुछ पैसा लगाया जाए। तो मैंने क्या इंतज़ाम किया, देखिए दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें, ये थर्मोकोल शीट है, इसको, इससे तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, ये गत्ते जो आते हैं, मैंने इसको जो है ऐसे रख के दिखाती हूँ, ऐसे इसको रखा सिंपल गत्ते पे, और निशान लगा लिया, और निशान लगा के वहीं से कट कर दिया, और कट करके और फिर इसको हल्के से प्रेस किया और ये अंदर को चला गया। इस साइड को मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये अच्छा। अब मुझे ड्रेनेज होल बनाने थे, ये फिक्र थी मुझे, तो मैंने किया क्या सिंपल, आप लोग देखिए। देखिए अब वो, मैं स्क्रू ड्राइवर को भी ख़राब नहीं करना चाह रही थी, कि मैं सोच रही थी कि मैं अगर गैस पे रखती हूँ तो कहीं वो भी गर्म हो के इसी तरह से टूट ना जाए। तो ये छुरी जो हमारी गार्डनिंग के ही यूज़ में आती है, देखिए, और मैं इससे होल वगैरह करती हूँ गर्म करके, या डिब्बे वगैरह कट करती हूँ, तो ये एकदम ब्लैक हो रही है, इसको मैं इसी सब में यूज़ करती हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, देखिएगा सिंपल, इसको यहाँ रख के थोड़ा सा प्रेस, देखिए गोल गोल घुमाते रहना है राउंड शेप में, ये देखिए अच्छा सा होल हो गया। थोड़ा सा शेप बदले हैं, तो शेप से हमें करना क्या है, हमको तो उनको ड्रेनेज बनाना है। इसी तरह से मैं सारे होल करके दिखाती हूँ, देखिए सारे होल हो गए हैं।
एक दो तीन चार पाँच छ सात, अभी सात होल हो गए हैं। अब मैं इसी मिट्टी वगैरह जो भी मैं मेरा सॉइल मीडिया रहता है, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा गोबर खाद, या आपके पास किचन वेस्ट की खाद हो या जो भी हो कंपोस्ट, आप वो यूज़ करिए। और मैं जो एक लेयर नीचे बिछाती हूँ सूखी पत्तियों की, वो तो मैं ज़रूर बिछाती हूँ, वो बिछाऊँगी। अभी मैं सारा प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। देखिए इसको सिंपल कट कर लिया है। ये वो हमारी बोरी है जिसमें आलू प्याज वगैरह आते हैं, तो जब हमारे यहाँ इस तरह से ये बोरियाँ आती हैं, मैं उनको कभी फेंकती नहीं हूँ। अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया है, आपके पास नहीं है तो आपके पास कोई भी सूती कपड़ा है तो आप उसको भी नीचे बिछा दीजिए। दिखाती हूँ अभी, इसको खूब अच्छे से बिछा दिया है। अब करना ये है, अब ये सूखी पत्तियाँ हैं, मैं इनको इसमें फिल करती हूँ। को भी मैं मिक्स करती हूँ। थोड़ा इस तरह से प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि जो मिट्टी बैठना है एक बार में बैठ जाए। अभी मिट्टी इसमें थोड़ी सी और पड़ेगी, ले चलती हूँ, यही लगाऊंगी मोस रोजी। देखिए छोटी छोटी बॉटल्स हैं पेप्सी की, और कितनी लंबी लंबी इसकी टहनियाँ हो रही हैं, इसी में से मैं कलेक्ट करती हूँ अभी। अब इसको मैंने यहाँ से कट किया, अब यहाँ से दो से तीन शूट निकलेंगे तो ये बुशी भी हो जाएगा और ये इसकी लीव्स हमारे दूसरे काम भी आ जाएंगी। लीव्स कह रहे हैं, सॉरी, टहनियाँ। देखिए मैंने कलेक्ट किए हैं, ये टहनियाँ मैं कलेक्ट करके लाई हूँ। देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर्स के इसमें फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये हमारा पॉट फिल हो गया है, और अभी पहले मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। रिफिल करके तब दिखाती हूँ। देखिए ड्रेनेज होल बनाने का ये फ़ायदा रहा, एक्स्ट्रा जो है वाटर सारा ड्रेन हो गया। अब मैं इनको अभी इनकी जो है लीव्स रिमूव करके मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से मैंने इनकी नीचे की ये लीव्स हटा दी, और ये फ्लावर भी मैंने हटा दिए इस वजह से, क्योंकि ये तो खिल ही चुके हैं तो उनको तो स्पेंट होना ही था, तो मैंने ये सारे फ्लावर्स भी हटा दिए हैं। देखिए कैसे प्यारे प्यारे कलर हैं, बहुत ही अच्छे कलर। आप लोग गार्डनिंग शुरू करें तो इन सारे प्लांट से शुरू करें, बहुत ही इजी टू ग्रो, लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, इसमें किसी ज़्यादा खाद वाद की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लगा दें तो सालों साल ये चलते रहते हैं। देखिए मैं लगा के दिखाती हूँ। बस करना कुछ नहीं है इस तरह से, आप लोगों को तो पता ही है, आप लोग तो लगाते ही रहते हैं प्लांट्स। सिंपल बस इस तरह से। अब चूँकि मिट्टी भी गीली है तो बहुत ही इजीली ये सब लगे जा रहे हैं।
चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको फिल कर लिया है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा पेंट हो जाए, इस पर कुछ डिज़ाइन हो जाए तो ज़रा सा और ख़ूबसूरत लगने लग जाए। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, पहले ये पॉट हमारा भर जाए। इसको भरने में भी भरा हुआ है, ये मैंने इतना नज़दीक नज़दीक लगाया है देखिए, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो बस 10 से 15 दिन। मैंने एक लकड़ी की बास्केट आप लोगों के साथ शेयर की थी, उसमें भी मॉसरोज ही लगाया था और वो बास्केट पूरी फिल हो गई। मैं किसी वक्त दिखाऊंगी आप लोगों को। और अभी हालांकि नोट कीजिएगा, इसमें अभी मैं फ्लावर्स दिखा रही थी तो उसमें वो बास्केट है, तो बस अब ये करना है कि इसको इसमें होल में जो है इस तरह से करके, और एक यहाँ नोट लगेगी, यहाँ लगेगी अंदर नोट, और फिर एक हुक टाइप का बना के और फिर उसी में जो है एक रस्सी हैंग कर दूँगी इसमें। और फिर कहीं देखती हूँ, कहीं कोई लंबी जगह होगी, बड़ी जगह होगी तो उस पर इसको हैंग करूँगी। तो चलिए गाइज, अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। जो है आप लोगों के जो है सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी कर दिया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय। ये देखिए तकरीबन एक महीने बाद का ये रिज़ल्ट है, और इसमें जो है हर तरह के हर कई कलर्स के जो है फ्लावर्स हैं। और देखिए कितना बुशी हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। बेकार की पड़ी हुई चीज़ें भी यूज़ में आ जाती हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और फिर सबसे ज़्यादा अब तो कहीं ध्यान ले ही नहीं जाना इधर उधर, बस खाली यूट्यूब ओपन कीजिए, एक से बढ़िया चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपका माइंड थोड़ा सा क्रिएटिव है तो क्रिएटिविटी आप कहीं भी दिखा सकते हैं। और देखिए कितना प्यारा लग रहा, खूबसूरत लग रहा। अगर इस पर कलर हो जाए, कुछ हल्का फुल्का डिज़ाइन बन जाए, कोई ज़्यादा डिज़ाइन ना बने, polka.com ही बना दिए जाएँ तो इसकी खूबसूरती निकल के आएगी सामने। अच्छा, थोड़ा सा पहले मुझे बड़ा शौक़ था पेंटिंग का, लेकिन अब मैं नीचे बैठने में माजूर हूँ तो टाला करती हूँ, देखती हूँ मैं क्या कर पाती हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को।